है। वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो आपको उठा के ले जाएंगे श्री राम सेंटर ऑफ आर्ट और जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। ये देख रहा आप बाइक है, ये सामने है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये तो आंटी की स्कूटी गिर गई, वो स्कूटी नहीं उठा रही, लड़ रही है। तो हम लगाएंगे शॉर्ट्स राहुल। यस, मैं हूँ। देखो यार, आज बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज एक जगह, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अपने को ना एक चीज बड़ी पसंद है, दैट इज काइट फ्लाइंग। और अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह जहाँ मिलती है सिर्फ पतंगे, और पतंग के साथ ना एक ऐसा पुराना रिश्ता, मतलब पतंग को देख के ना ऐसा नहीं लगता कि आप उन्हें उड़ाओगे, पतंग को देख के ऐसा लगता है कि यार क्या क्रिएटिविटी है ना, खूबसूरत लगती है यार, नो डाउट। उड़ती हुई तो लगती है, वैसे भी बहुत खूबसूरत। ये देखो आज ये शैतान कितना मस्त सोने में लगा, लेकिन जब ये सो रहा होता है ना तो ऐसे करके ना मुंडी ऐसे देखता रहता है, क्या कर रहे हो? पेरी निन्ना आई है आपको, निन्ना। ये देखो, ये देखो कैसे आंखें, देखो इसकी, ये थका हुआ एक तो, पर इसको ये भी पता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। हमने इसको देखो इसमें बांध रखा है, क्योंकि जब शैतानी करता है ना, इसका बांधने का तरीका भी ऐसा है ना कि आपको बताऊंगा। ही सो सो इंटेलिजेंट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, थर्ड या फोर्थ क्लास में जब मैं था ना, तो मैंने क्या किया था, एक ना जब घर वाले मना करते हैं कि पतंग नहीं उड़ानी, ये वो, छत से बच्चे गिर जाते हैं और ऐसा वैसा, ऐसा बहुत सुना हमने। तो मैंने क्या किया था, गुस्से में एक चार्ट पेपर लिया और एक न्यूज़पेपर भी था गैस, और उसमें ना वो जो झाड़ू की सींक होती है उससे मैंने पतंग बनाई ऐसे लगा के, मतलब प्रॉपर डिजाइन करके, और उसकी पूंछ भी बनाई, इतनी सेक्सी पूंछ। और लिटरली वो उड़ी ऐसे शेड शेड सा, मतलब मेरे को याद है हल्की सी। जो उड़ाते हैं वो तो मेरी बात से इतना रिलेट कर जाएंगे ना जिसका कोई हिसाब नहीं। काम मिलता था स्कूल से बहुत ज्यादा, तो ऐसा लगता था कि यार छत पे पतंग उड़ रही होगी, जल्दी से मेरा काम क्यों नहीं खत्म हो रहा। जो काटने में मजा आता ना पतंग, पड़ोसी की छत की पतंग, पड़ोसी की छत की पतंग। अभी हमारा प्लान था कि अपन जाएंगे बाइक से, बहुत टाइम हो गया बाइक पे ट्रैवल करे है ही नहीं, पापा दिलाते ही नहीं, इधर उधर जाना होता है गाड़ी से, जाना होता है लोकल में, जाना होता है तो स्कूटी होती है। मैंने सोचा दिल्ली जाऊंगा अभी बाइक से, इतनी गर्मी हो रही है ना। और सबसे मजे वाली बात पता है क्या है, मैं अगर बाइक पे बैठता हूँ ना, लाइक पीछे बैठ गया या चला भी रहा हूँ नॉर्मली, और धूप और हवा लग रही है भाई, इतनी जबरदस्त नींद आती है ना, ऐसी फील आती है कि हाँ जी सर कौन गर्मी बहुत हो रही भयंकर, यही बात कर रहा था। और सबसे बस मैं हेलमेट लाना भूल गया, मैंने सोचा था कि हेलमेट रख लूंगा गाड़ी में। कसम से बाइक पे नींद आती है यार, मतलब जब हवा लग रही होती है ना मस्त एकदम, और गर्म गर्म हवा के साथ साथ जब धूप पड़ रही होती है, मेरी आंखें ऐसी हो जाती है कि भाई क्या हो रहा है, ये मदहोशी क्यों जा रही है। यार भाई साहब, दिल्ली के जो पंगे हैं ना वो अलग ही लेवल के हैं। अब हमें यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही, लाल किले की पार्किंग बंद की हुई है, आसपास की सारी पार्किंग बंद की हुई है। तो हमने पुलिस वाले अंकल से पूछा था अभी, वो कहता है यहाँ अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो आपको उठा के ले जाएंगे। मेरे को कौन उठा के ले जाएगा, व्लॉग बनाने निकलो और हमारे साथ कुछ पंगे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो, अभी मैं दिखाऊं आपको एक चीज, ये जो है ना ये 3.3 किलोमीटर है और ये 23 मिनट दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है अब भगवान ने सही किया है, मेरे को व्लॉग बनाने का एक काम दिया, क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई काम सीधा है ही नहीं। अब हम यहाँ फंसे हुए हैं, पुलिस वाला धमकी दे रहे हैं, पुलिस वालों ने तो कहीं धमकी ना दे दी। ये देख रहे हो आप यहाँ पे सामने लाल किला, और लाल किला में पार्किंग बंद है बिकॉज ऑफ 15 अगस्त, और हमारी निकल गई है ऐसी की तैसी। एंड हम फाइनली आए बंगाली मार्केट, और इस मार्केट में मेरे को खाने छोले भटूरे। देखो अपने यार सही बताओ, हम लोग फूड ब्लॉगर तो है नहीं, तो अपन तो क्या हाल है कि जिंदगी में जो बीता दिखा डाला बिंदास होके। सही लग रहा हूँ यार मैं है? ये देखो मैं कितनी जगह हूँ। हाँ तो आप ये बताओ मुझे कौन से वाले राहुल से बात करनी है आपको, ये वाले से या ये वाले से? ओ माय गॉड, गजब हो रहे हैं यार, गजब हो रहे हैं। ये मैंने पहली बार ट्राई किया, अगर आप छोले भटूरे ना साथ में ही दें ना, वी कॉल दिस सॉट, मतलब मीठी चटनी। क्या खाऊं भैया, बता ही नहीं रहे क्या खाना है, क्या खाना है बताओ, मुझे लगा मैं आपको खिलाऊंगा। ये नीचे जो है ये, क्या बोला आपने इसको? नरगिच। दोबारा बोला। नरगिच, नरगिच, इट्स नरगिच, नर है ये। मन तो मेरे कर रहा सारा खा लो। ये पान है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है यार। क्या बवाल चीज बनाया हो गए। ये देखो इस रोड पे सामने ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा मंडी हाउस। मंडी हाउस में भाई साहब प्ले होते हैं सारे के सारे, थिएटर और ये सब जितने भी एक्टर आर्टिस्ट लोग हैं। हम भी एक जमाना था जब यहीं होते थे। ये है श्रीराम सेंटर ऑफ आर्ट, और जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ना, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आप अगर देख लो मनोज वाजपेयी साहब, सब यहीं से सीख सीख के और कोशिश कर करके निकले हैं। ये जितना पीछे ना, इसके पीछे जो बैक साइड है ना, वहाँ पे है
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दैट इज NSD। मैं यहाँ घूम ही रहा हूँ तो मैंने सोचा एक बार दिखा देता हूँ ना आपको। हम तो भाई यहीं रहते थे, यहीं पे मतलब आना जाना बहुत। हालांकि मेरे को आज तक ना यहाँ प्ले करने का मौका मिला नहीं है। एक बार मिला था बट तब मैं मुंबई चला गया था, तो सर के साथ फिर मैंने प्ले किया नहीं था, कर नहीं पाया था मतलब। तो इंतजार में तो देखो हम भी हैं, एक बार मौका मिले कहीं अपने आप को प्रूफ करने का, तैयार बैठे हैं हम लोग अपने आप को प्रूफ करने के लिए। पुलिस वाले पकड़े, इससे पहले बैट लगा लो, पहले वीडियो बनाने पे मारेंगे फिर बैट लगाने पे मारेंगे। कहाँ चल रहे हैं? CPVP नहीं, पहले यहाँ लेफ्ट ले, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिखाऊंगा। अच्छा यहाँ भी है क्या कुछ? अब कुछ बता रहा तू, यहाँ सब है, यहाँ से लेफ्ट ले। ये मंडी हाउस का जो है मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ सामने से लेफ्ट ले यार। और ये सामने है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ बसता है एक एक बड़े आर्टिस्ट का दिल। गार्ड साहब से पूछते हैं एंट्री तो होगी नहीं, कोरोना के चक्कर में गैदरिंग सब बंद है। अभी बंद चल रहा है ना सब थिएटर? सामने पुलिस वाले अंकल जा रहे हैं जो मुझे खतरनाक घूरते हुए जा रहे हैं। जितने अपने टीचर है ना सब यहीं के हैं, और अभी बात होती रहती है मेरी टीचर से। अभी तो मुंबई में है सब लोग, और अच्छे अच्छे मतलब बॉलीवुड मूवीज में मेरे सर जो है वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने ना अभी ये लिया है मिरर पे चिपकने वाला एक 50 रुपए का, जो उधर चिपका हुआ फोन मेरा ना उस पे लगा हुआ है। और अब ना मैं ये इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब गिरेगा, तो मैंने ऐसे हाथ करे हुए नीचे। ये उसको बोलता 10 रुपए, शर्म नहीं आई से 10 रुपए? बेचारा पसीने में तर बदर आदमी, हाथ ऐसे है मेरे नीचे, वो मैं अपना फोन कैच करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सी कितना सुंदर लग रहा है, ये मन तो कर रहा है तिरंगा लेने का, पर हमें रखेंगे कहाँ? हमारे देश का तिरंगा जब रुके दिल्ली। ये देखो कितना सुंदर है तिरंगा, 15 रुपए। हाँ और छोटा दे दो ना। ए भैया मुझे लगा इससे भी छोटा ला रहे हो, ये तो इसको छोटा होता रहे। भैया हमने भैया को दिए पैसे, और ये रहा भैया का तिरंगा। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जय भारत। जय श्री कृष्णा। ऑटो वाले भी गाली देंगे तुझे, ये दिन आ गए तेरे। हाँ तो मैं क्या करता, देखो पतंग उड़ाने से मतलब नहीं है, हमें मजा आता है कि भाई पतंग जो बेक रहे होते हैं इतनी सुंदर लगती है ना यहाँ पे लगी। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या है महफिल। ये पतंग भी देख नजरें चुरा रही है, देख यहाँ भी भाव आ रही है। ओह ये क्या है, क्या कितने की है ये भाई साहब? 100 रुपए की। इसको 100 रुपए को उड़ा दे मतलब, हम कौन उड़ाएगा 100 रुपए? ये देखो ये है 50 रुपए का, इसका खिलौना वर्जन। अभी तो 50 बोला आपने, उड़ेगी ये? नहीं उड़ेगी यार, इसकी शेप देख रहे हो। तो भाई साहब हमने खरीदे हैं कुछ चुनिंदा पतंगे, बहुत ज्यादा तो हमने नहीं खरीदी, मुद्दा बस इतना है कि गर्मी इतनी तेज लग रही है ना मैन। और ये हमने पतंगे उतंगे से उठाई हैं, और मजा इस बात का है कि हमारे पास उड़ाने की जगह नहीं है अभी। क्योंकि जितने फ्लोर की मेरे उधर अपार्टमेंट है ना, मतलब जो बिल्डिंग है, उतने फ्लोर पे अगर पतंग उड़ाओ ना तो उसके ऊपर क्या ही उड़ेगी पतंग, 14 मंजिल से ऊपर क्या लेके जाएगा। तो 15 से पतंगों के पीछे से आवाज आ रही है जैसा अभी कट के जा रही हूँ ये। हम जा रहे हैं भाई टक से कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस जाके हम कुछ खाएंगे क्योंकि हमें लगी है बहुत तेज भूख। और मुद्दा इस बात का, भूख क्यों लगी है? क्योंकि 4 बूथ। तो भाई साहब मैं अभी लेके आया हूँ अपने लिए ये, तो हम लगाएंगे शॉर्ट्स। पूरा जल गया पता है, 30 ml पता है, जल गया। पर भाई साहब वो जलाना मजा नहीं आया जला के। और मैं सबसे मस्त आपको बताऊं क्या है, ये देखो ये मैं लेके आया था, ये टूट गया, ये था 10 रुपए का शॉट। ये जो बॉटल है दिस इज ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, भाई साहब इतना मतलब, ये बिल्कुल ट्राई मत करना, ये पानी बहुत कड़वा है।
तो ये जो लड़का है ये हमसे मांग रहा है एक पतंग। पतंग चाहिए? कौन सी वाली? टीली वाली? दो ये आपकी पतंग, आप ले लो, थैंक यू बोल दो, ओके बाय बाय। उसने पता पैसे नहीं मांगे, आते के साथ ही मुझे क्या चाहिए? पतंग। वो देखो कितना खुश है। ये देख रहा बाइक है, इतने सुंदर सुंदर हेलमेट में इसको ये मिला है। जय बजरंगबली। और ये है जहां से शुरुआत होती है हर बॉलीवुड पिक्चर की, जब उन्हें दिखानी होती है दिल्ली। तो अभी हम घूम रहे हैं ऐसी जगह जो शायद ही किसी ने नहीं देखी हो, क्योंकि दिल्ली वाले तो भाई मैक्सिमम यही घूमते हैं। वो तो ये मुझे जबरदस्ती लेके आ गया, वरना मैं आता नहीं। यहाँ भीड़ भड़ाका ना बहुत ज्यादा रहता। आपको भीड़ दिखाऊं, भीड़ का लेवल दिखाऊं, मंजर है देखो। आपको ना सामने एक लाइन दिख रही होगी, उस लाइन का ना स्टार्टिंग पॉइंट मिल रही ना एंडिंग पॉइंट मिल रही, मेरे को तो नहीं मिल रही। ये देखो ये है कनॉट प्लेस, और ये जो लाइन जा रही है ना ये लेफ्ट में, ये है मेट्रो की लाइन। और भाई साहब इसकी ना स्टार्टिंग पता मुझे अभी तक तो नहीं मिली मुझे, मैं तो गया भी नहीं और आगे। ये देखो भाई साहब आप देख रहे हो ये मेट्रो की लाइन है, क्योंकि मेट्रो में ना बिल्कुल एंट्री जो है ना बिल्कुल सेफ्टी चेक करके हो रही है। तो भाई देखो इस दुनिया में कुछ हो ना हो मैं एक चीज से नहीं रह पाता, वो है ये दिस वन इज मसाला ऊपर। और आप एक बार ये मसाला ऊपर खाना, साइज मत देखना इसका, साइज बहुत ज्यादा है आई नो। ये देखो इसका स्ट्रगल देखो, एक एक बाइट ऐसे ले रहा है, जब इनको फ्री का मिल जाता है ना ऐसे खाते हैं। तोड़ देगा उसे, मत दिखा मत दिखा मत दिखा। बताओ 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 हेलो गाइस। तो अब हम करते हैं इस व्लॉग के यहीं एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरे को तो आज बहुत मजा आया, मेहनत भी बहुत हो गई, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अपना चैनल नया है तो अब हमें चाहिए सपोर्ट, तो आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा प्लीज। और हाँ, ये पैरी तो देखो बहुत परेशान करता रहता, तो मैंने प्लान किया एक वीडियो का स्पेशल, एक दिन पैरी के साथ, लाइक अ डे विद माय बॉय। तो मैं दिखाऊंगा आपको एक वीडियो पैरी के साथ, मजा आ जाएगा। इतना शैतान है ना ये, इसकी हरकतें देखना आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और नहीं लगी हो तो प्लीज बताना क्यों नहीं लगी, ठीक है? तो सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय। और हम दिखाएंगे आपको तुरंत एक नया वीडियो बिंदास, एंड लुक एट हिज रिएक्शन। ये देखो भाई सब एज पे था बिल्कुल, भाई सब परेशान हो गया वो। देखो 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 देखो, ड्रामे देख रहे हो, देखो इसकी नजर पूरी तरीके से।